हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल दिव्य प्रकाश में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा संकट आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसा कसमकस का दौर आ जाता है कि हमको पैसों की ज़रूरत होती है और पैसा हमको नहीं मिलता है। कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कहीं ऐसे वाद विवाद में फंस जाते हैं, कहीं कोई मिलकत का ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि एंड टाइम पे आपको पैसे की ज़रूरत है, आपका ही पैसा कहीं पर है नहीं मिलता है, या आपने किसी के भरोसे किसी को प्रॉमिस कर दिया और उसका एंड डेट आ गई और आपको पैसा नहीं मिला, आपकी इज्जत दांव पे लग जाती है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आकर के खड़ा हो जाता है कि अब क्या करे, रास्ता नहीं सूझता, ऐसा समय आ जाता है। कहीं से भी कुछ भी करो तो कुछ एकाएक कहीं से कोई बंदोबस्त नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या उपाय करें, ऐसा कौन सा टोटका करें कि जिसको करने से हम यदि जिसके पास जाएं तो उसके पास में जितना भी पैसा है आपको अनुमान हो, गारंटीड वो पैसा आपको निकाल करके उठा करके दे देगा। इतना ज़बरदस्त प्रभावशाली यह टोटका है। इस टोटके का अपना खुद का इतना पावर है कि जब आप इसको करके निकलेंगे, जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच करके इसको करके निकलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके इतने अधीन हो जाएगा कि वो अपना सर्वस्व आप पे लुटा देगा। आप उसको जिस तरह से अपनी बात बोलेंगे कि मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है या मेरा ये काम है, वो अपना काम छोड़ करके भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना प्रभावशाली ये टोटका है। ये टोटका बताने के पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँच सकें। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको ये टोटका करना कर रहे। ये टोटका का कोई बंधारण नहीं है, कोई बाध्य नहीं है। आप जिस समय कार्य करने के लिए जा रहे हैं उस दिन आपको इस टोटके को करना है। मान लीजिए कि शनिवार का दिन है और आपको मालूम है कि मुझे कल के दिन संडे को ये टोटका करने के लिए जाना है, तो इसकी जो भी सामग्री है एक दिन पहले आप ले आ करके रख लें और जिस समय आप टोटका करने के लिए जा रहे हैं उसके आधे एक घंटे पहले आप इसको अंजाम दे दीजिए एक इस टोटके को, और एक तरफ किसी भी एक कमरे में जा कर के चुपचाप बैठ जाइए और आपकी जो ज़रूरत है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। टोटका बहुत आसान है। आपको एक नींबू लेना है और उसमें आप तीन इलायची आपको लेनी है। ये जो तीन इलायची हैं इसको एक कुमकुम में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको गीला कर लेना है और उस इलायची को, उन तीनों इलायचियों को, वो जो आपने कुमकुम वाला गीला पानी किया था उसमें आपको डुबो देना है, रंग देना है, लाल कलर की इलायचियाँ कर देनी है। इसके बाद में आपको नींबू में तीन तरफ, एक ऊपर नीचे और एक साइड में, किसी भी साइड में एक जगह होल करना है और इन तीनों इलायचियों को उस नींबू के अंदर डाल देना है। सामने वाला आपके अधीन हो जाता है तभी वो आपका कार्य करने के लिए राजी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस नींबू को ले जाके आपका घर का जो पनिहारा हो, जहाँ आप पानी रखते हैं, जहाँ पानी का आप मिट्टी का बर्तन रखते हैं, मटला मटकी मटका जो भी कहते हैं आप, पानी का जो भी बर्तन है उसके नीचे आपको नींबू रख देना है। जो स्टैंड होता है उसमें आपको नीचे नींबू रख देना, उस स्टैंड के ऊपर आपको जो भी पानी का बर्तन है या किसी भी तरीके से ऐसा सेटिंग करके रख देना है कि पनिहारे में आपका जो मटका है उसके नीचे इस नींबू को रख देना है। ये किसी और व्यक्ति को दिखाई ना दे, जब तक आप लौट कर ना आए तब तक इसको कोई हलाए डुलाए नहीं, कोई इसको टच नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपको इसको रख देना है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आपका पनिहारा होता है वहाँ पर आपके पूर्वजों का भी वास होता है, वो भी इस टोटके में आपकी मदद करेंगे। जिस किसी व्यक्ति के पूर्वज यदि उससे नाराज़ हैं तो वो व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है,
उसके कोई काम सुचारू रूप से बनते नहीं हैं। अब आपको क्या करना है, जो मटके के नीचे का बर्तन था उसमें आपने नींबू रख दिया, इलायची डाल करके, लाल इलायची करके उसमें कुमकुम से आपने करके उसको रख दिया। नींबू को लाल करना नहीं है, सिर्फ इलायची को रंग करके उसमें लगा देना है, उसके ऊपर मटका रख देना है। अब आपको जिस किसी भी व्यक्ति के पास से अपना काम निकलवाना है उसका ध्यान करना है और वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि आप ये काम करने के लिए जा रहे हैं आपका काम सफल हो। बस इतना करके आप एक जगह चुपचाप बैठ जाएं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, जितना भी आपको टाइम है वहाँ जाने में, आप चुपचाप शांति से बैठ जाएं एक तरफ करके इसको और मनोमन सोचते रहें। ये चीज़ इतनी प्रभावशाली है कि ये चीज़ वहाँ जाकर उसके दिमाग में असर कर देगी। आप जैसे ही वहाँ पहुँच कर अपना काम उसको बताएंगे, जैसा कि मैंने बताया, वो अपना सब कुछ छोड़ करके, काम काज छोड़ करके या अपनी ज़रूरत छोड़ के भी आपकी मदद पहले कर देगा, आपका काम निकाल देगा, चाहे आपको कितने भी पैसे की ज़रूरत हो उस दिन के दौरान आपको वो पैसा मिल जाएगा, गारंटीड उपाय है। तो दोस्तों, उपाय बहुत बेहतरीन है, आपके जानने पहचानने वाले चित परिचित में भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो चलिए, अब मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।